हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M11 डिवाइस के फिंगरप्रिंट के बारे में। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट को टेस्ट कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि आपके मोबाइल के फिंगरप्रिंट में असल में कोई प्रॉब्लम आई हुई है या दोस्तों बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर दोस्तों आप सभी के मोबाइल में एक ऑप्शन देखने को मिलेगी, बैटरी एंड डिवाइस केयर। इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों सिंपली आपने क्लिक करना है। सबसे लास्ट में दोस्तों यहां पर आपको डायग्नोस्टिक्स नाम से एक फीचर देखने को मिलेगा। ये एंड्रॉयड 12 के अपडेट आने के बाद दोस्तों सैमसंग M11 के सभी डिवाइस में देखने को मिल चुका है। तो इस वाले फीचर को आपने सबसे पहले ओपन करना है। यहां पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। ये दोस्तों यहां पर आपका सैमसंग का अकाउंट बना होना चाहिए, तभी दोस्तों यहां पर ये ओपन होगा। तो यहां पर थोड़ी देर वेट करते हैं, इसी तरह से दोस्तों ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों अगर आपने सैमसंग का अकाउंट नहीं बनाया तो अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद दोस्तों सैमसंग में यहां पर दोस्तों आप किसी भी मोबाइल में इस फीचर को अनेबल कर सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। तो यहां पर दोस्तों आपके सामने बहुत सारे यहां पर फीचर आपको और देखने को मिलते हैं जिनसे दोस्तों आप अपने मोबाइल में इन सभी चीजों का टेस्ट कर सकते हो। हमारे मोबाइल में अगर दोस्तों फिंगरप्रिंट का हमें कोई इश्यू आया हुआ है तो फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर दोस्तों हमने क्लिक करना और यहां पर दोस्तों अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट को लगाकर देखना है। अगर दोस्तों हमारा कोई भी फिंगरप्रिंट यहां पर ऐड नहीं हो रहा है तो यहां पर एक्शन रुकेड की आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। मतलब कि दोस्तों आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है जो दोस्तों अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपको दोस्तों उसकी रिपेयर करवानी है। अगर दोस्तों नॉर्मली सिंपली आपका इस तरह से लिखा आ रहा है तो आपका फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर रहा है, सिंपली दोस्तों आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में यहां पर दोस्तों बैक आ जाना है और ऐप लॉक में जाकर दोस्तों यहां पर अपने फिंगरप्रिंट को ऐड कर लेना है। क्योंकि दोस्तों कई बार आप फिंगरप्रिंट भी ऐड नहीं करते हैं तो यहां पर फिंगरप्रिंट ऐड ना करने से दोस्तों आपको ये इशू भी आ जाता है। तो यहां पर सिंपली दोस्तों आपने यहां पर जाना है ऐड फिंगरप्रिंट पर, दोस्तों आपने क्लिक कर किसी दूसरे फिंगरप्रिंट को यहां पर दोस्तों सिंपली जाकर ऐड कर लेना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये आपका सेंसर का पता लग जाता है कि आपका सेंसर काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल के जो फिंगरप्रिंट है उसको टेस्ट कर सकते हो। सिंपल सेटिंग है, आपने बैटरी एंड डिवाइस केयर की आपको ऑप्शन देखने को मिलती है उसमें जाना है। यहां पर दोस्तों सबसे लास्ट में फीचर देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर अपने सैमसंग के अकाउंट को बना लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, यहां से जाकर दोस्तों आपने फिंगरप्रिंट को यहां पर चेक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर रहा है तो यहां पर आपको टिक की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी और दोस्तों आपका यहां पर पता भी लग जाएगा कि आपके मोबाइल का फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर रहा है और सही चल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट को टेस्ट कर सकते हो। किसी भी सैमसंग के डिवाइस में दोस्तों आप इस सेटिंग का यूज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की ये सेटिंग आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचते रहें।